हेलो गाइस, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः साथियों टीजीटी पीजीटी एलटी के आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ। जो प्रश्न है साथियों, ये जो प्रश्न है प्राकृतिक चित्रकला से है। कहाँ से संबंधित साथियों? प्राकृतिक चित्रकला से, जिसमें हम देखेंगे पाल शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली ने? तो पाल शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली, तीन शैली के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे साथियों। तो 2022 में जो टीजीटी पीजीटी आर्ट और ईएलटी की जो वैकेंसी आने वाली साथियों, जल्द से जल्द हो तो उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, विज्ञापन जारी होगा। तो जो भाई बहन तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी को साथियों ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है इस समय जो प्रावधिक कला से यूपी में चल रहा है साथियों, तो हो सकता है नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो बीएफए ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए यही चांस है साथियों कि जितने से जितने भाई बंधु हैं सब इस बार अच्छी से मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल करें। तो ये फ्री क्लासेज है साथियों, जो भाई बहन अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आज का जो प्रश्न है साथियों प्राकृतिक चित्रकला में, उसमें है सबसे पहले हम पाल शैली से देखेंगे ना। तो प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? कह रहा है कि जो पाल शैली है इसमें जो चित्रण हुआ था इसका मुख्य विषय क्या था, क्या मुख्य विषय था जिस पर चित्रकारी की गई थी पाल शैली में? कहने का प्रश्न ये मतलब है, जैन धर्म संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था पाल शैली, या हिंदू धर्म से, या ईसाई धर्म से संबंधित था? तो किस धर्म से संबंधित था साथियों, यह विषय इसका क्या था जिस पर पाल शैली की चित्रकारी की गई है? तो आप लोग जो प्रश्न अच्छे लगे उनको नोट डाउन करिए और कमेंट जरूर करिए कि कितने प्रश्नों में से 25 प्रश्न में से कितना आपका सही होता है। तो आप भी गेस करते हुए चलिए साथियों। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में जो आपका यहाँ पे सही होगा साथियों, पाल शैली में जो चित्रण का मुख्य विषय बताया गया वो था बौद्ध धर्म। तो पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित जो है चित्रकारियाँ की जाती है साथियों। तो यहाँ खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो चार ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि जो पाल शैली थे इसके संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक थे, पाल शासक थे, या शुंग शासक, या हिंदू शासक? तो चारों में से कौन थे साथियों जो पाल शैली के संरक्षक माने जाते हैं, जिन्होंने पाल शैली को आगे बढ़ाया ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाल शैली के जो संरक्षक थे वो साथियों पाल शासक थे। कौन थे साथियों? पाल शासक। यहाँ पे खा वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो इम्पॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि साथियों 2022 की दृष्टि से। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? राय कृष्णदास महोदय, ए वी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, या रविंद्रनाथ टैगोर जी? तो किसने जैन शैली को पश्चिमी शैली नाम से संबोधित किया था? तो यहाँ अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन में जो आपका बेस्ट सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा आनंद कुमार स्वामी जी कहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। कार्य के जौन ये जो जैन चित्रकला है इसका प्रसिद्ध स्रोत क्या है साथियों, इसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है, साधन क्या है? पंचदशी है, धम्मपद है, कामसूत्र है, या कल्प सूत्र है? तो जैन चित्रकला की बात करा तो यहाँ पे जैन चित्रकला में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे कल्प सूत्र का ही सबसे ज़्यादा स्रोत प्रसिद्ध बताया जाता है। तो यहाँ पे घा वाला आंसर मित्र आपका सही हो जाएगा। अगला है, कल्प सूत्र संबंधित है, कार्य के जो कल्प सूत्र है किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या इनमें से कोई नहीं? तो कल्प सूत्र का जो संबंध बताया जाता है साथियों, इसका जो संबंध था वो आपका जैन धर्म से ही संबंध था। तो यहाँ पे ग वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्र। अगला है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? कार्य कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? राजपूत, मुगल, पाल शासक, या मौर्य वंश के शासक? तो भारत में जो लघु चित्र की शुरुआत हुई थी इसकी
शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? तो आपके अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन में वो शासक था पाल वंश के जो शासक थे, यही भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किए थे। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं मित्र? कह रहा है कि सबसे पहले जो लघु चित्र बनाया गया है, सर्वप्रथम सबसे पहले किस पर बनाया गया था, किस चीज़ पर बनाया गया, जैसे कागज पर बनाया गया था, या ताड़पत्र पर बनाया गया था, या दीवार पर बनाया गया था, या वस्त्र पर? तो सबसे पहले ये जो लघु चित्र था किस पर बनाया गया मिलता है साथियों। तो देखा जाए साथियों, जो लघु चित्र था सबसे पहले ये ताड़पत्र, ताड़पत्र मतलब ताड़, आप जानते हैं कि वृक्ष होता है ऊपर खजूर की तरह जाता है तो उसकी पत्तियां नारियल की तरह होती हैं, लेकिन उसकी जो पत्ती होता है बहुत चौड़ा होता है, नारियल के तो खजूर की तरह होता है लेकिन जो ताड़ का होता है चौड़ा होता है। तो सबसे पहले ताड़ पत्र पे ही लघु चित्र बनाए गए थे, उसके बाद में कागज आया, दीवार आया, कपड़ों पर बनना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे खा वाला आंसर मित्र सही हो जाएगा। आठवें पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी हैं? कहें कि भारत में सबसे पहले जो सचित्र पुस्तकें, मतलब सचित्र सहित जो पुस्तक बनी उसमें चित्र भी बनाया गया है, तो किस माध्यम में बनी थी? तो कपड़े पर बनी हुई थी, तालपत्र पर, कागज पर, या लकड़ी के पटों पर? तो सबसे पहले चित्र किस पर बना हुआ मिलता है साथियों? तो आठ नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आठ नंबर का जो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा गा कागज पर। किस पे बना था साथियों? कागज पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? कार्य के जो पोथी चित्रण है इसका जो प्रारंभ में शुरुआत किस शैली से माना जाता है या किस शैली से हुआ था? पाल शैली से, जैन शैली से, मुगल शैली से, या राजपूत शैली से? तो नौ नंबर पे देखेंगे साथियों। तो जो नौवां क्वेश्चन है, पोथी चित्रण का जो प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है या आरंभ होता है आपका, वो पाल शैली से ही माना जाता है पोथी चित्रण का प्रारंभ। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? कार्य के जो पाल पोथी हैं इन चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल पोथी चित्रों के मुख्य विषय की बात पूछ रहा है, तो क्या था साथियों? पाल राजाओं का जीवन चरित्र था, नवाबों का दरबार था, या बुद्ध का जीवन चरित्र था, या चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र था? तो पाल पोथी चित्रण का जो मुख्य विषय बताया जाता है वो साथियों बुद्ध के जीवन के चरित्र से संबंधित बताया जाता है। तो यहाँ पर 10 में देखेंगे, 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें ग सही हो जाएगा आपका। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रहा होगा साथियों। जितने भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं सब कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो अगला है आपका, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? कह रहा है कि जो पाल चित्रकला है किस प्रदेश से इसका संबंध है, प्रदेश की बात कर रहा है। तो देखिए, नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, या बंगाल की? तो यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए तो पाल कला का जो संबंध सब साथियों ये बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों जगह से था, लेकिन सबसे अगर अच्छा माना जाए तो सबसे पहले शुरुआती जो हुई थी इसकी बंगाल से ही हुई थी। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो आपका बंगाल होगा। बंगाल, बिहार, नेपाल तीनों जगह था लेकिन सबसे पहले बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था, तो उसके बिहार और नेपाल केंद्र बनाए गए। अगला है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? कार्य कि भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है ये किस काल से आरंभ हुई है मित्रों? तो प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, या उत्तर मध्य प्राकृतिक से? तो 12 नंबर पर देखेंगे तो 12 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन सही होगा साथियों, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा वो आपका उत्तर मध्यकाल से ही स्टार्ट हुई थी, जिसे प्राकृतिक कहा जाता है। तो घ वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों, पाल शैली के जो चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं? पोथियों पर होते हैं, बने होते हैं, दीवारों पर बने होते हैं, कैनवास पर बने होते हैं, या बोर्ड पर बने होते हैं? तो चारों ऑप्शन में देखेंगे जो पाल शैली के चित्र होते हैं साथियों ये पोथियों पर बने हुए मिलते हैं। 13 का
का सही हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न आपको देखने में तो इजी लग रहा होगा साथियों, अक्सर जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न गलत होते हैं जो हमारे इजी प्रश्न होते हैं साथियों, सरल प्रश्न होते हैं, वही ही गलत होते हैं। इसलिए इन सरल प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए साथियों, ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र क्या है? बुद्ध जो है योग मुद्रा में किस पर बैठे हैं? कमल पर बैठे हैं। यह चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण माना जाता है? पाल शैली का, मुगल शैली का, राजपूत शैली का, या इनमें से कोई नहीं? तो 14 नंबर पर देखेंगे तो बुद्ध योग मुद्रा में जो कमल पर आसीन थे, यह चित्र जो आपका होगा वो पाल शैली से संबंध इसका होगा, यह इस पाल शैली से ही इसका उदाहरण बताया जाता है। अगला है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 में प्राप्त की थी? नहीं कौन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने क्या था? कल्पसूत्र की एक प्रति थी, इसे कहाँ से 1924 में प्राप्त किया? लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, या बर्लिन संग्रहालय, या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो कल्पसूत्र की एक प्रति प्राप्त किए थे 1924 में, इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो बर्लिन संग्रहालय से ही प्राप्त किए थे साथियों, तो गा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? कारक जैन लघु चित्र जो है उनका प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षी है, शासक है, तीर्थांकर और उनकी जीवनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो 16 नंबर पे देखेंगे साथियों तो जैन जो लघु चित्र है उनका जो प्रिय मुख्य विषय बताया जाता है साथियों तीर्थांकर और उनकी जीवनी से था। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ना ये जो विक्रमशिला महाविद्यालय भागलपुर बिहार में है साथियों, तो इसकी स्थापना पूछ रहा है कि किसने की थी? धर्मपाल, वित्तपाल, सुतपाल, या जयपाल? तो 17 नंबर पर देखेंगे साथियों तो 17 नंबर का जो आपका क्वेश्चन सही होगा वो हो जाएगा चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा धर्मपाल। तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? कितना कह रहा है कि 3/4 भाग किसके? मनुष्य के चेहरे का शैली पूछ रहा है, कौन सी भारतीय चित्र शैली है उसी में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग चित्रित, पाल शैली में, बीकानेर शैली में, गुलेर शैली, या जैन शैली में? तो 18 नंबर पे देखेंगे साथियों तो 3/4 मनुष्य के चेहरे का भाग चित्रित किया गया था वो आपके जैन शैली में चित्रित हुआ था। अगला है, जैन चित्र कागज़ पर कब बने? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैन चित्र कागज़ पर कब बने? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में? तो जैन चित्र जो कागज़ पर बने थे मित्रों, ये आपके 12वीं शताब्दी में बने हुए मिलते हैं। तो का वाला यहाँ आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अभ्रंश चित्रों का क्या विषय है साथियों? कह रहे हैं कि अभ्रंश शैली के जो चित्र हैं इनका क्या विषय है? जैन है, ब्राह्मण है, श्रृंगार है, या बौद्ध है? तो अभ्रंश चित्रों का जो विषय है वो आपका जैन होगा। क्या होगा साथियों? जैन, जैन शैली से ही अभ्रंश शैली का होता है, तो यहाँ पर जैन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? कह रहे खिलौनों की तरह पशु और पक्षी का अलंकरण किस शैली में देखने को मिलता है? पहाड़ी शैली में, अभ्रंश शैली में, मुगल शैली में, या राजपूत शैली में? तो खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण मिलता है साथियों, इन चारों में से देखा जाए तो आपके अभ्रंश शैली में ही मिलता है। अगला है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है? कह रहा है कि जैन जो लघु, ये सब प्रश्न जो अभी चल रहे हैं प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ हैं, ये प्रश्न को आप देखेंगे कई बार सॉल्व पेपर उठा के देखिए, जो परीक्षाएं जो हो चुके हैं पेपर प्रश्न प्रश्न पत्र उठा के देखिए, तो ये सब प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। जैन लघु चित्र का विशेषता है ना, तो क्या विशेषता जैन लघु चित्रों का साथियों? प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, परली आँख का दिखाना, या बौनी आकृतियाँ? तो जैन लघु चित्रों की जो विशेषता है साथियों वो आपका हो जाएगा 22 नंबर में देखेंगे तो परली आँख का जो दिखाना होता है, यही जैन लघु चित्रों की क्या है? विशेषता होती है, परली आँख का दिखाना। अगला है, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है? जैन शैली के चित्रों की जो प्रधान विषय वस्तु क्या है?
महावीर का जीवन चरित्र है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, राम का जीवन चरित्र है, उपरोक्त में से सभी। तो 23 नंबर में आप देखेंगे साथियों, तो गजब का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो कन्फ्यूजिंग बन रहा है, तो देखिए क्या कन्फ्यूजिंग बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 23 नंबर पे देखेंगे तो जैन शैली के जिस चित्रों का प्रधान माध्यम है विषय वस्तु होता है, जैन शैली जो था महावीर से जीवन के चरित्र से संबंधित बताया जाता है, और जो पाल शैली होता है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर जैन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से। जब पाल शैली पूछता तो आप उस समय महात्मा बुद्ध को चुनते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का महावीर का जीवन चरित्र। अगला है, पर्ली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। तो ये प्रश्न हो चुका है, आगे थोड़ा समझने की बात है बस। इसमें पर्ली आँख किस शैली की विशेषता है, तो मुगल शैली की, पहाड़ी शैली की, अवरण शैली की, या राजस्थानी की। तो देखिए इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे देखा जाए साथियों, तो पर्ली आँख की जो विशेषता होती है यह अवरण शैली की ही विशेषता मानी जाती है, बताई जाती है। अगला और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जैन धर्म के अनेक तीर्थांकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। करेक्ट, जैन धर्म के जो अनेक तीर्थांकर हैं किस सचित्र पोथी में चित्रित हुए हैं। बसंत विलास में, चित्रकल्प द्रुम में, कलाकाचारी कथा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैन धर्म के जो अनेक तीर्थांकर का जो सचित्र पोथी में वर्णन हुआ है उस पोथी का नाम है कलाकाचार्य कथा। क्या है साथियों, कलाकाचार्य कथा। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों प्राकृतिक चित्रकला से संबंधित, जिसमें पाल जैन अभ्रंश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। जो आप लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है साथियों, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, कितने क्वेश्चन में से 25 में से आपका कितना सही होता है। साथियों जो नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि हमारे द्वारा प्रदान किया गया हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी फ्री, निःशुल्क और अच्छे तरीके से होते रहे। चलते हैं साथियों, अब वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो आपके भाई बंधु सगे मित्र हैं साथियों, जो किसी कारण परीक्षा देने से असफल हो रहे हैं या तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, किसी क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनके पास वीडियो को शेयर करते हैं, वो भी इस फ्री निःशुल्क क्लास का लाभ उठा सके और तैयारी को बेहतर कर सके। तो चलते हैं साथियों, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, धन्यवाद।